जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज बहरे टाउन कराची से, और आज हम मौजूद हैं अपने प्रोजेक्ट गोल्फ व्यू रेजिडेंसी की लोकेशन के ऊपर। और मुझे ज्वाइन किया है हमारे पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज के जो जी एम साजिद अवान साहब, तो इनसे आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट गोल्फ व्यू रेजिडेंसी के हवाले से, इसकी लोकेशन के अंदर जो है क्या अट्रैक्शन, और हम इसके अंदर जो है अपने व्यूअर्स को हम लोग क्या जो है वो इसके अंदर हम ऑफर कर रहे हैं। साजिद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है। साजिद भाई, इसकी लोकेशन जो है, क्योंकि सबसे मेन इसका जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन के हवाले से हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया असदुल्ला। लोकेशन के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये प्रीसेंट 11 ए की बैक के ऊपर बैरिया ने कमर्शियल दिया था, जिसे ब्रॉडवे कमर्शियल कहते हैं। 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स ऑफर किए गए थे, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है गोल्फ व्यू रेजिडेंसी, ये दो प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और इसकी जो लोकेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो 11 ए की बिल्कुल एज, और गोल्फ प्रीसेंट 20 जहाँ से शुरू होता है उसका जो राउंड अबाउट है, और अली ब्लॉक, तो ये तीन प्रीसेंट्स का समझ लें कि एक जंक्शन बनता है, बिल्कुल एज है उसके ऊपर लोकेटेड है। जो सबसे इसकी अहम बात है वो ये है कि ये टॉप हाइट के ऊपर लोकेटेड है। अगर आप बैरिया टाउन में इस वक्त किसी भी जगह का मुवाजना कर लें इस जगह के साथ, तो ये मेरा ख्याल है सबसे टॉप रेटेड जगह और सबसे टॉप हाइट पर है। तो इसकी बैक से आपको बहुत अच्छा जो है गोल्फ का बड़ा क्लियर व्यू नज़र आता है, और सामने से इसके जो है आपको इवन जिना एवेन्यू प्रीसेंट 27-28 डांसिंग फाउंटेन तक का व्यू जो है नज़र आता है। हवा यहाँ पर बहुत अच्छी चलती है, जिसकी वजह से जो है हमने स्पेशली ये जगह चूज की है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। जिसकी लोकेशन में इसकी जो एक्सेस है, मेन एक्सेस है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक्सेस इसकी जो है वो आपको दो तरह से मिलती हैं। एक तो अगर आप प्रीसेंट 11 ए और 10 ए वाली साइड, यानी बैरियर हाइट्स वाली साइड से आएंगे, तो भी आपको जो है एवेन्यू 14 है उससे आपको बिल्कुल ये लास्ट के ऊपर मिल जाता है। और फिर आपकी बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू से जो अली फ्लाईओवर है, जो कि सबका लंदन ब्रिज के नाम से मशहूर था, वहाँ से आप लेफ्ट लेके बिल्कुल अगर स्ट्रेट आएंगे तो आपको सामने जो गोल्फ का राउंड अबाउट आता है उसकी एज के ऊपर ये लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और उन नाजरीन के लिए कि जो कि अपनी जो उनके पास कन्वेंस है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये रूट है। उसके अलावा जिन लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं है और वो विजिट करना चाहते हैं या यहाँ इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पर बैरिया टाउन में जो ईवी बस सिंध गवर्नमेंट की जानिब से चलाई गई है, उसका बिल्कुल स्टॉप इस बिल्डिंग के साथ मौजूद है, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ है। तो उन लोगों के लिए भी जो है ये बड़ी आसानी होगी, यानी डेली कम्यूट अगर किसी ने कराची के लिए करना है तो। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग अपने हम लोग ऑफर क्या करें यहाँ पर, किस साइज के अपार्टमेंट से क्या चीज़ है? जी, इसमें हम उनको 2 बेड और 3 बेड के जो है अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ साइजेस हैं, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर लेकर तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट तक के जो है अपार्टमेंट्स हैं। इसमें आपको 2 बेड 3 बेड मिल जाता है। डिटेल्स इसकी जो है वो हम आपको इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। और इसके अंदर जो है आपको जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, ये बड़ा हमने खास ख्याल रखा है कि एक तो हमने इसकी जो सर्कुलेशन एरिया होता है ग्रॉस एरिया, वो इंतहाई जो है वो लिमिटेड कर दिया है। यानी इसके अंदर आप देख लें कि आपको मैक्सिमम कोई 12 या 13% जो है वो वेस्टेज मिलेगी, वरना हमने तमाम मैक्सिमम कोशिश की है कि हम उस एरिया को यूटिलाइज करें और अपने जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको फैसिलिटेट करें। तो हमने इसका जो एरिया है वो बड़ा कुशादा रखा है अपार्टमेंट्स का खास तौर पे। फिर जो इसमें सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये कि ये 2 साइड आपका व्यू है, डबल ओपन, यानी कि आपको वेस्ट भी मिलेगा, वेस्ट ओपन भी अपार्टमेंट है और सामने से भी। तो जितने भी इसके अपार्टमेंट है, अगर मैं आम जबान में आपको समझाऊँ तो ये सारे आर पार अपार्टमेंट्स हैं, यानी हवा का कोई मसला नहीं होगा, सारे अपार्टमेंट्स इस तरह डिज़ाइन किए, जबरदस्त वेंटिलेशन के साथ जो है मिलेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके टाइम का। जी व्यूअर्स, साजिद भाई की गुफ्तगू जो आपने मुलाहिज़ा किया गोल्फ व्यू रेजिडेंसी के हवाले से, तो अगर आप उसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे एनी टाइम जो है वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।